हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे आप सभी को प्रणाम नमस्ते तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फिर से एक केक बना रही हूं आज तो आज के वीडियो में आप लोगों को दो केक का डेकोरेशन दिखाते हुए कुछ बातें करूँगी और इससे पहले की बातें शुरू करूँ मैं आपको अपने केक वाले चैनल का नाम बता देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को केक बेकिंग या केक डेकोरेशन में इंटरेस्ट है सीखने में तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सके मेरे केक बेकिंग वाले चैनल का नाम है सारिका की पाकशाला तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यहाँ आज दो केक बना रही हूँ और दोनों के दोनों केक्स जो है ऑर्डर के ही है तो चलिए जब तक केक बनता है आप लोग देखिए और देखते हुए कर लेते हैं कुछ बातें पता है कभी कभी ना इंसान का ऐसा सिचुएशन रहता है कि मूड बहुत ही ख़राब हो लेकिन फिर भी व्लॉग बनाना ही पड़ता है जो भी केक के ऑर्डर्स वगैरह है वो भी कंप्लीट करना ही पड़ता है क्योंकि मूड ख़राब लेके अगर बैठ जाएंगे काम नहीं करेंगे तो फिर नुकसान अपना ही है क्योंकि खुद कमाना है खुद खाना है ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर अपना काम धाम छोड़ के बैठ जाऊँ मूड खराब है रोने धोने तो फिर मेरा खर्च कैसे चलेगा घर का खुद ही करना है तो इसीलिए ना मूड खराब होते हुए भी अपना जो भी काम है उसको पूरा करना ही पड़ता है किसी भी तरह से हो ऐसा ही कुछ सिचुएशन आज भी है आज भी मेरा मन जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है किसी बात को लेके तो व्लॉग बनाने की सच कहूँ तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी लेकिन व्लॉग मिस करने से अपना ही नुकसान है फिर व्यूज़ कम जाते हैं और व्यूज़ के अकॉर्डिंग ही पैसे वगैरह की बात होती है तो व्यूज़ अगर ऐसे ही बहुत बड़ा चैनल तो है नहीं थोड़े थोड़े ही व्यूज़ आते हैं उसमें भी अगर कम होने लगे व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो इसी चाहे कितना भी मन खराब हो अपना काम सही से करना है और ये देखिए मुस्कुराते हुए भले ही व्लॉग में सामने नहीं आ रही हूँ लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए वॉइस ओवर तो दे ही रही चाहे अंदर से दिल कितना भी दुखा हुआ हो, पता है फ्रेंड्स इंसान को ना मैं हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि अगर किसी का अच्छा नहीं कर सको तो एटलीस्ट किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहिए हमेशा कोशिश होती है कि चाहे अपने मन कर्म या वचन से या अपने किसी भी तरह से हेल्प करके किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ तो मैं कर देती हूँ हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है लेकिन दुनिया में हर लोग जो है ना ऐसे नहीं होते हैं कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हमेशा इंसान को गलत ही समझते हैं तो अब लोगों की सोच के बारे में क्या ही किया जा सकता है बोलिए मैं तो इतना ही जानती हूँ कि बस भगवान के नज़रों में इंसान को सही होना चाहिए कि जब भगवान के सामने खड़े हों तो फिर सर जो है झुक नहीं जाए कि मैंने कुछ गलत किया है तो बस भगवान की नज़रों में अगर मैं सही हूँ तो मैं समझती हूँ पूरी दुनिया ही चाहे मुझे गलत समझे लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है हाँ दिल ज़रूर दुखता है जब कोई क्लोज़ जब कोई अपना हो बाहर के लोगों का तो खैर छोड़ दीजिए लोगों की तो आदत है वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे तो लोग कुछ ना कुछ हर हाल में कहते हैं अगर आप गरीबी में हो ना तो फिर आपके पेरेंट्स को ही लोग कहने लगेंगे कि कैसे माँ बाप है जो बेटी की ऐसी हालत है और वो लोग देखते नहीं हैं हालांकि वो लोग कितना भी देखेंगे अगर आप थोड़े से खुश हैं थोड़े से सुखी हैं ना तो भी लोग सोचेंगे कि आ, इतना कैसे खुश है ये इतना कैसे सब कुछ इसके लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा है ज़रूर कुछ बात है दाल में कुछ काला है इस तरह की चीज़ें लोग सोचने लग जाते हैं और सच कहूँ तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है लेकिन फ़र्क कब पड़ने लगता है पता है जब कोई अपना जब कोई क्लोज हो और ऐसे किसी को इस तरह की बातें मन में आने लगे ना तो बहुत ही दुख होता है सच कहती हूँ तो व्लॉग में जो है ना मैं दुख अपना शेयर करने से ज़्यादा अपनी खुशियाँ अपने अच्छे मोमेंट्स वो सब ज़्यादा शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना दुख को शेयर करना नहीं पसंद है लेकिन फिर भी क्योंकि चैनल बनाई हूँ तो मेरी जो लाइफ स्टोरी है वो शेयर वो भी देखिए मैं कितना डिले कर रही हूँ लास्ट पार्ट के लिए क्योंकि नहीं अच्छा लगता अपना दुख शेयर करो या दुख के बारे में बातें ही करो तो अच्छा अच्छा जो भी है मोमेंट्स वही सब कुछ आप लोगों से शेयर करते हैं कहीं घूमने गए कहीं कुछ गए तो ये सब देख के भी ना लोग कुछ गलत गलत नज़रिया बना लेते हैं कि कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं और कैसे कर रही है इतना सब कुछ कितना जो इसके पीछे मेहनत है वो कोई नहीं देखता है पता है सब बस देखते हैं कि कैसे इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल है ज़रूर कुछ बात है इस तरह की चीज़ें कुछ हो जाती है ना तो दिल बहुत दुखता है ऐसा ही कुछ हुआ है कि आज भी दिल दुखा हुआ है लेकिन कोई अपना क्लोज होना मेरी एक सहेली की बात मैं कर रही हूँ एक सहेली है मेरी उससे भी ऐसा ही कुछ लगा तो वो चीज़ के लिए मैं बहुत हर्ट हुई थी ज़्यादा डिटेल में वो बोलूँगी नहीं क्योंकि वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड है मेरी और मैं नहीं चाहती कि उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी बताऊँ लेकिन कुछ भी हो आ, दुख तो होता है ना कोई कुछ ऐसा कह देगा तो खैर क्या ही बोलूँगी बस इतना जानती हूँ कि अपने हिसाब से मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया कि मेरे वजह से किसी को कोई तकलीफ पहुँचे और भगवान के नज़रों में मैं सही हूँ भगवान के सामने जिस दिन जाके खड़ी होंगी ना मरने के बाद उस दिन मेरा सर शर्म से झुकेगा नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया है या गलत तरीके से पैसे अर्न किए या कुछ भी हो तो बस यही बात की संतुष्टि है कि भगवान जानते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ बाकी पूरी दुनिया मुझे गलत समझे मुझे परवाह नहीं है तो एनी आप लोगों को क्या लगता है मैं जो भी सोच अपना बता रही हूँ सही है कि नहीं जो लोग अच्छे लोग होते हैं ना पता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत होते हैं मैं समझती हूँ मतलब वो चाहे कितना भी अच्छा करे लोगों के लिए लेकिन बाद में उन लोगों को मिलती है बदनामी या फिर कुछ बुराई या लोग उन्हें बुरा ही कहते हैं अल्टीमेटली ऐसा ही होता है एक बार नहीं कई कई बार तो इस चीज़ से ना बहुत दुख होता है कि कितना ही नसीब खराब है लेकिन फिर सोचती हूँ कि शायद मेरे पिछले जन्म के ही कोई कर्म हो गए कि ये जो दुख है मेरे लाइफ में एक के बाद एक कुछ ना कुछ होते रहता है ख़त्म ही नहीं होता है खैर जो भी हो बस भगवान भरोसे चल रही है ज़िंदगी हो सकता है भगवान आगे बहुत अच्छा कुछ करे हो सकता है ऐसे ही चले हो सकता है इससे बुरा भी कुछ आए फ्यूचर में अब वो तो पता नहीं है बस भगवान भरोसे हूँ और भगवान जैसा चाहेंगे लाइफ वैसा ही आगे भी निकलेगा खैर केक जो है देखिए दूसरा वाला भी बनाने लग गई हूँ और पहला वाला केक बन के तैयार हो गया दोनों केक की डेकोरेशन कैसी हुई है आप लोग बताइएगा ठीक है और डेकोरेशन कुछ भी जो है ना फाइनल नहीं रहता है जब मैं बनाने बैठती हूँ ना तो उस हिसाब से ही अपने दिमाग से डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ जब जैसा डिज़ाइन मेरे को समझ में आता है वैसा बना देती हूँ और ये दोनों केक ही ऑर्डर के केक थे तो सोची कि चलो मूड खराब है सामने बैठ के क्या ही बात करूँ इससे अच्छा ये केक का डेकोरेशन दिखाते हुए आप लोगों से अपना दुख जो भी है शेयर कर लूँ पूरा ना सही लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों से बातें कर लेती हूँ ना तो मन भी हल्का हो जाता है आदत सी हो गई है पता है रोज़ आप लोगों से बातें करने की जिस दिन ब्लॉग ना बने ना तो लगता है कुछ तो मिसिंग है सुना सुना सा लगता है और अभी फ़िलहाल काफ़ी लंबे समय से मैंने एक दिन भी ग मिस नहीं किया है तो इस चीज़ को मैं ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ इसीलिए चाहे कैसा भी सिचुएशन हो मैं कितनी भी टेंशन में हूँ परेशानी में हूँ दुख में हूँ तकलीफ़ में हूँ लेकिन एक ब्लॉग चाहे छोटा हो बड़ा हो मैं ज़रूर डाल ही देती हूँ और आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है धीरे धीरे मेरे चैनल की ग्रोथ भी हो रही है व्यूज़ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जिसकी मुझे बहुत खुशी है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैं थैंक्स भी कहना चाहूँगी साथ ही साथ ये भी एक गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स मेरे केक वाले चैनल में मैं बहुत तो एक्टिव नहीं रहती हूँ लेकिन फिर येस्टरडे उसमें 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और थैंक यू आप लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे तीनों ही चैनल्स पे तो देखिए ये केक भी बन गया और आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक रखेंगे व्लॉग कैसा लगा है बताइएगा केक्स की डिज़ाइन कैसी लगी है बताइएगा अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा कुछ कमेंट करके अपनी भी बातें बताइएगा मुझे तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देती हूँ और फिर कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ तो तब तक के लिए बाय बाय हैव अ गुड डे